अच्छा मैंडलीव के बाद आए मोजले मोजले की पीरियोडिक टेबल ये रही भाई यहां पर ये सेवन पीरियड है हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल आर कॉल्ड ग्रुप तो ये मोजले की पीरियोडिक टेबल है हाउ मेनी पीरियड एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो भाई सेवन पीरियड है और एटीन ग्रुप है वन टू ये एटीन ग्रुप है अब जैसे मैं बात करूं एटीन ग्रुप एलिमेंट को हम क्या कहते हैं इनर्ट गैसेस कहते हैं क्यों कहते हैं इनर्ट गैसेस क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं क्यों नॉन रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनकी वैलेंसी जीरो होती है वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी कि भाई एक एलिमेंट कितने एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है जैसे कार्बन कार्बन चार हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकता है तो कार्बन की वैलेंसी हो गई फोर तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी तो अब देखो यहां पर ये जो इनर्ट गैसेस हैं इनकी वैलेंसी जीरो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी जीरो होती है इस वजह से ये इनर्ट होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं नोबल होते हैं अब जैसे बल्ब है बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है क्योंकि कितना ही हाई टेम्परेचर हो जाए आर्गन का आयोनाइजेशन नहीं होगा वो फिलामेंट से रिएक्ट नहीं करेगी इसलिए जो बल्ब होते हैं उनमें आर्गन गैस भरी जाती है फिलामेंट वाले बल्ब ये एलईडी वाले बल्ब नहीं फिलामेंट वाले फिर उसके बाद ये इतने पीरियड तो ये 18 ग्रुप एलिमेंट को हम बोलते हैं गैसेस फिर उसके बाद ये 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हम कहते हैं सॉल्ट और जन का मतलब जनरेटिंग सॉल्ट जनरेटिंग बोलते हैं चैलकोजन चैलको का मतलब होता है ओर और जन का मतलब होता है जनरेटिंग ये ओर जनरेटिंग सब्सटेंस है और वो मिनरल है जहां से मेटल मिलेगा अब जैसे मैं आपसे बोलूं आयरन का ओर बताओ तो आप बोलोगे एफ ई एस एफ ओ थ्री मैग्नेटाइट एफ ई थ्री ओ फोर तो जितने भी ओर है ना वो ऑक्सीजन सल्फर की फॉर्म में ही है इसलिए इनको कहा चेलकोजन ओर फॉर्मिंग एजेंट चेलकोजन फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम कहते हैं अल्कली अल्कली मेटल क्यों वाटर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ क्यों क्योंकि अर्थ से मिलते हैं ये देखो कैल्शियम अर्थ से मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड चूना अर्थ से मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल अर्थ से मिलता है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल और ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके एक वीक बेस बनाते है. अब देखो ये एस ब्लॉक है ये पी ब्लॉक है ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है और एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं ट्रांजिशन क्यों कहते हैं बिकॉज इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है बदलती रहती है जैसे एम एन मैंगनीज मैंगनीज प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस सेवन तक वेरी करेगी क्रोमियम प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स तक वेरी करेगी तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर दो सीरीज हैं लेंथनाइड और एक्टेनॉइड तो ये यहाँ से चालू होती है लेथनाइड सीरीज यहाँ से चालू होती है एक्टनाइड सीरीज और इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर भी है अब इन एलिमेंट्स को हमने अलग से प्लेस कर दिया है क्यों क्योंकि भाई अगर मैं इनको यहीं प्लेस कर देता तो पीरियोडिक टेबल और लंबी हो जाती तो बनाने में दिक्कत होती समझाने में दिक्कत होती इसलिए इन एलिमेंट्स को निकाल के यहाँ रख लिया ठीक है तो भाई पीरियोडिक टेबल में सेवन पीरियड है और एटीन ग्रुप हैं और जितने भी ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है क्योंकि उनका आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन सिमिलर होता है फिर उसके बाद कॉपर सिल्वर गोल्ड इनको हम क्वाइनेज मेटल कहते हैं क्वाइनेज क्यों क्योंकि पुराने टाइम से इससे सिक्के बनाए जा रहे हैं जिंक कैडमियम मरकरी ये सॉफ्ट मेटल है मरकरी तो इतना सॉफ्ट है लिक्विड है मरकरी और गेलियम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है ये दो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा ये कहलाते हैं मेटलॉइड ये एक ट्रिक है मेटलॉइड को याद करने की इस तरीके से आप याद कर सकते हो अब देखो अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को याद करने की बात चल रही तो एक बार सुन लो देखो क्या होता है जो सेम एलिमेंट होते हैं सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं इसलिए उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में होंगे उतने ही टिन में होंगे ठीक है ली ना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी यहां आते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला कहे सीता जी सुनो प्रभु नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास ओ, स्टाइल, से, टी, पो। फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर अटेंशन हीरे नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ये होगा पी ब्लॉक यस yes, और पी ब्लॉक साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकले कॉपर जिंक यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद यहां पर ये लेंथेनिया में ला हफ्ता रे उधर इधर पिटाई और होगी <coughs> देखो मुझे तक यह, यही तक याद है और इतने में काफी है इतने में हम कर लेंगे क्योंकि होता क्या है जैसे आपको बोला एन सी एल थ्री तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता है लेकिन उसने बोल दिया एस बी सी एल थ्री फिर तो ये केमिकल बॉन्डिंग में काम आता है केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उनको डॉट की फॉर्म में बना दो उसके बाद ही हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताते हैं तो वहाँ ये चीज़ काम आती है कि भाई आपको टेबल के एलिमेंट्स याद होने चाहिए